आजाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन यादगारी हैसियत और कौमी अहमियत रखते हैं। एक 15 अगस्त का, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ और 26 जनवरी को हिंदुस्तान जमहूरियत बना। आज 15 अगस्त है हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह। 15 अगस्त 1947 को सर जमीन हिंद पर कोई सूरज शुरू हुआ था, जो कि आज शुरू हुआ है। लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाई थी। ये सुबह वही सुबह थी जिसके जुलूस से मुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ, जो 150 वर्ष मुसीबत था। उसी रात राजदीप के कुछ साथ सागवारे ठेकेदारों को हमने खून से मासूम शहजादों का खून पीते देखा। उसी रात राइटों का सर काट कर तख्त में सजा कर बाप के सामने पेश किए। उसी भयानक रात में मंद और मान्य उस्ताद कारीगरों के हाथ कलम हुए और अवधि कटाई गए और किसानों की जमीनें छीन कर उनको दर बदर की झोंपड़ी उठाने के लिए छोड़ दिया गया। इस काली रात की जल निर्वाह इसके लिए हमें बहुत से जतन नहीं किए। साजिशें और बगावत की आजाद हुकूमतों की तश्कील की मजामती तरीके चलाए। जान गमान की कुर्बानी वो सब किया जो उसूल आजादी के लिए ना उदय होता है। लेकिन जब इस भयानक रात की जल सुबह हुई तो जिस खून ने जलिया नवाला बाद की मिट्टी को शक्कर की सूखी से हवाला कर दिया था, उसकी डाली अक्सर हो चुकी थी। वतन का इतिहास पारा पारा था, अमन को सुकून गारा खरीदा था, फूलों की पत्तियाँ और पंखुड़ियाँ बिखरी थी और पंखुड़े कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हजारों ग्रामीण आज 15 अगस्त को घूमते अपनी कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लिया। 15 अगस्त हमें जब निशान मानी का भी दावा देता है। इस मुद्दे में हमने कामयाबियाँ हासिल की है। आइए हमारी शरीक जश्न हो और आज पिछली कामयाबियों की खुशियाँ मनाएं। खुदा हाफिज़।